This conference will now be recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. सबसे पहले तो आप सबको SEO experts training के इस 25वें बैच में खुश आमदीद कहता हूं और आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया इस बैच इस सेशन को ज्वाइन करके, क्योंकि दिन ब दिन SEO की इम्पोर्टेंस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की इम्पोर्टेंस जो है बढ़ती जा रही है। आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया और आप बिल्कुल सही टाइम पे SEO एक्सपर्ट ट्रेनिंग की फैमिली का हिस्सा बन गए हो। बेसिकली ये पहले 3 मंथ्स का कोर्स हुआ करता था, अभी लास्ट जो 2 बैचेस मैंने दिए हैं उनमें ये 3.5 मंथ का कोर्स है, यानी ऑलमोस्ट 28 से 30 लेक्चर्स पे मुश्तमिल SEO का ये कोर्स होता है। और प्रैक्टिकली जो बंदा इंप्लीमेंट करेगा, स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलेगा, जो असाइनमेंट्स दी होंगी उनको टाइम पे करेगा, उसको जो है तमाम टॉपिक्स, उसके लिए SEO जो आप सुना करते थे कि मुश्किल होती है वो आसान होती जाएगी इंशाल्लाह। तो आपने जो जो असाइनमेंट्स आपको दी होंगी आपने वो असाइनमेंट्स वक्त पे करनी है, साथ साथ मुझे अपडेट करना है कि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है असाइनमेंट बनाने में, साइट स्टार्ट करने में। इस कोर्स के दौरान आप लोगों को एडसेंस, क्लिकबैंक, Amazon, CPA और आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट है, इन 5 टॉपिक्स को मैं लेके चलूंगा ताकि आप लोगों के लिए काम को समझना आसान हो जाए और साथ साथ जो असाइनमेंट्स दी होंगी आपने उनको कंप्लीट करना होगा ताकि आप लोगों के लिए जो काम का बर्डन ज्यादा ना हो। कोर्स के दौरान जो टूल्स होंगे SEO टूल्स वो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। एक स्टूडेंट को मैं जिम्मे लगा दूंगा, वो आप लोगों को जो जो टूल पर मैं सिखाऊंगा उस टूल आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए साथ साथ दिया जाएगा इंशाल्लाह। बेसिकली व्हाट इज SEO, SEO क्या है? SEO एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी वेबसाइट को इस काबिल बनाते हैं कि वो सर्च इंजन में रैंक कर सके। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये इसका एब्रीवेशन बनता है। जो पहला लेक्चर होगा यानी कि आज का लेक्चर होगा और जो कल का लेक्चर होगा, पहले 2 लेक्चर जो होंगे वो उसमें आप लोगों को बेसिक्स का बताऊंगा, थ्योरी का बताऊंगा, उसके बाद जो है प्रैक्टिकली आप लोगों को सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, SEO इंपॉर्टेंट क्यों है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट होती है, कोई भी सर्विस होती है, कोई भी कारोबार होता है, उसको मार्केटिंग की जरूरत होती है। तो SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए हम लोग अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करते हैं, उसकी प्रमोशन करते हैं, उसको पॉपुलर करते हैं। बेसिकली उसको हम इस काबिल बनाते हैं कि सर्च इंजन में वो रैंक कर सके। अब सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक ऐसा टूल है जिसपे लोग आंखें बंद करके बिलीव करते हैं, ठीक है? सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक ऐसा टूल है, एक ऐसा रास्ता है कि किसी को कुछ भी सर्च करवाना होता है, किसी को कुछ भी
आप कह लो कि कोई डॉक्यूमेंट तक पहुंचना होता है बेसिकली, तो वो सर्च इंजन का सहारा लेता है इसके बजाय इसके कि वो उसने कहीं नोट किया हो या उसको कोई डायरेक्टरी मिल जाए, नहीं, सर्च इंजन का सहारा लेते हैं। ठीक है, हाउ डू पीपल फाइंड योर वेबसाइट, लोग हमारी वेबसाइट तक कैसे पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का मुझे फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट लेना है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ऐसे आके सर्च करवाऊंगा, गूगल में आके सर्च करवाऊंगा, तो यहाँ पर जो वेबसाइट नजर आएंगी लोग उन पे आके उनको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हेयर स्टाइल्स फॉर मैन, मुझे कोई हेयर स्टाइल देखने मेन के लिए, मैं आके सर्च करवाता हूँ। यहाँ पर जो साइट्स मुझे नजर आएंगी, पहले पहले 3 साइटों पर मेरी नजर होगी, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से साइट दिख जाएंगी। इस तरह क्या होता है कि लोग सर्च इंजन का सहारा लेते हैं और नई साइटों तक, नए डॉक्यूमेंट तक, नई वेबसाइट्स तक पहुंचते हैं बेसिकली। तो लोग हमारी वेबसाइट तक कैसे पहुंचते हैं, जब वो सर्च करवाते हैं, सर्च रिजल्ट में जब साइट नजर आती है तो लोग हमारी वेबसाइट तक पहुंचते हैं बेसिकली। हाउ डू सर्च इंजन फाइंड योर वेबसाइट, सर्च इंजन हमारी वेबसाइट तक कैसे पहुंचते हैं। सर्च इंजन हमारी वेबसाइट तक इस तरह पहुंचते हैं कि सर्च इंजन में एक फंक्शनैलिटी होती है, उसको बोला जाता है स्पाइडर। स्पाइडर क्रॉल द वेब टू फाइंड न्यू डॉक्यूमेंट्स। स्पाइडर जो होता है वो इंटरनेट को खंगालता है, साइटों को खंगालता है, जो पहले से साइटें चल रही होती हैं उनको खंगालता है नई साइटें फाइंड करने के लिए। इंडेक्सर, इंडेक्सर होता है एक फंक्शन जिसमें सर्च इंजन इंडेक्स करता है कंटेंट को, यानी कि टेक्स्ट को एंड कोड को अपने सर्वर पर डाउनलोड कर लेता है, ठीक है, और उसको अपने डेटाबेस में भी ऐड कर लेता है बेसिकली, और टाइम टू टाइम डेटाबेस अपडेट होता रहता है। तो इस तरह इंडेक्सर वर्क करता है। सर्च इंजन सर्च देयर ओन डेटाबेस, सर्च इंजन जो होते हैं वो अपने ही डेटाबेस को ढूंढते हैं, खंगालते हैं नए साइटों तक पहुंचने के लिए। सर्च इंजन रैंक द रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट, जो सर्च इंजन होते हैं वो किसी भी साइट को रैंकिंग में लाते हैं, किसी भी साइट को रैंकिंग देते हैं मुख्तलिफ वेट्स एंड रैंकिंग फैक्टर्स की बेस पे, किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी साइट को सर्च रिजल्ट में, रैंकिंग में सर्च इंजन जो है वो लेकर आते हैं। तो ये मेन फंक्शनैलिटी सर्च इंजन की जो है वो एक है स्पाइडर, एक है इंडेक्सर, स्पाइडर क्रॉलर इंडेक्सर, ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट अपने डेटाबेस में ऐड करते हैं, ये फंक्शनैलिटीज 3 से 4 स्टेप्स हैं, आपने इनको याद करना है ताकि अगर कल को एसईओ की कोई डिस्कशन होती है और आपकी जो फाउंडेशन है एसईओ की, जब तक वो मजबूत नहीं होगी, आपको एसईओ की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बेसिकली समझ ही नहीं आएगी। तो इन जो स्टेप्स है इनको याद कर लेना है आप लोगों ने। अच्छा, दुनिया में जो सर्च इंजन वर्क कर रहे हैं उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है गूगल, इसने 70% मार्केट कैप्चर की हुई है, उसके बाद बिंग है, उसके बाद MSN, उसके बाद एक्साइट, उसके बाद लाइकोस, याहू, AOL, अल्टाविस्टा, माइक्रोसॉफ्ट ने जो है बिंग को लिया, खरीद लिया, फिर याहू को, इस तरह चेन ले लिया, और जो गूगल है इन्होंने एंड्रॉयड, गूगल अर्थ, तो इस तरह की बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च की हुई है। मतलब जो लाइक आप देखो कि माइक्रोसॉफ्ट है, उसने अलग-अलग एक मार्केट पहले मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाई हुई थी, फिर उसने बिंग को, आउटलुक को, याहू को, इनको बाय कर लिया। तो
बेसिकली क्या होता है कि गूगल क्यों 70% मार्केट कैप कैप्चर कर चुका है, क्योंकि इसके इसका जो आप कह लो कि किसी भी वेबसाइट को रैंक रैंकिंग देने का जो मेथड है, वो कहीं पर आपको कोई क्रैक हुआ हुआ नहीं मिलता। आपको पूरा अंडरस्टैंड करना होता है कि सर्च इंजन, यानी कि सर्च इंजन की जब भी हम ना बात करेंगे, नाम लेंगे, हम गूगल की बात कर रहे होंगे, हम बार बार गूगल नहीं कहेंगे, बट हम जब जब भी हम सर्च इंजन की बात करेंगे, आपने ये ध्यान में रखना है कि हम गूगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि 70% मार्केट इसने कैप्चर की हुई है, इसने होल्ड की हुई है इसने, ठीक है। तो जो गूगल है सर्च इंजन, ये बेसिकली क्या करता है कि ये किसी भी वेबसाइट को जो है उसकी क्वालिटी की बेस पे रैंकिंग में लेकर आता है, और वो आप लोगों को टाइम टू टाइम, यही स्किल आप लोग सीखने जा रहे हो कि कैसे आपने इसको समझना है कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे क्वालिटी की बनाएंगे। मैं पहले दिन आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दूं कि हम जो वेबसाइट बनाते हैं, जो मैं ट्रेनिंग में वेबसाइट बनाना सिखाता हूं, ताकि वेबसाइट बना के हम जो उसकी रैंक उसको रैंक करेंगे, हम वेबसाइट बनाएंगे यूजर के लिए, हम वेबसाइट बनाएंगे जो सर्च करने आता है उसके लिए, ना कि इसलिए वेबसाइट बनाएंगे कि हम उससे पैसे कमाएं। पैसे तब कमाए जाते हैं जब जो वेबसाइट का मकसद है वो पूरा हो, ठीक है। वेबसाइट का मकसद से मुराद है कि जो यूजर आया है हमारी वेबसाइट पे, उसको प्रॉपर मालूमात दी जाए, ना कि हम जो है वो कोई ट्रिकी मेथड से उसको यूजर को थोड़ा सा डाटा दिखा के और वेबसाइट में हम लिंक्स लगा के, मतलब उसको जो है वहां से पैसा कमाने लग जाए। ऐसा नहीं है, जब आपकी वेबसाइट यूजफुल होगी तो वो पैसे खुद ही देने लग जाएगी, ठीक है। इस चीज को आप लोगों ने समझना है। तो हम लोग जो है, एक तो व्हाइट हैट एसईओ आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ, और उसके अलावा हम लोग जो है वेबसाइट बनाएंगे ताकि रीडर्स एंगेज हों, ताकि लोगों को प्रॉपर मालूमात मिले जो भी टॉपिक पे हमारी वेबसाइट बनी हुई होगी। अगर हम इसको इसका एब्रीवेशन इसको एक्सप्लेन करें, एसईओ को, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द वेबसाइट इन ऑर्डर टू अचीव रैंकिंग इन सर्च इंजन्स इज नोन एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपनी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट्स में रैंक करवा सकें, दैट इज कॉल्ड बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, एसईओ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक फ्री एडवर्टाइजमेंट का मेथड है, और लॉन्ग टर्म या इसको हम कह सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग इसका रिजल्ट है। फ्री एडवर्टाइजमेंट हम इसलिए कहते हैं, हालांकि हमारे पैसे आर्टिकल लिखवाने पे, डोमेन बाय करने पे, होस्टिंग लेने पे और रिसर्च में जो टूल यूज होते हैं उन पे हमारे पैसे लग रहे होते हैं, मगर फ्री इस सेंस में होता है कि अगर हम कंपेयर करें लाइक पीपीसी कैंपेन्स के साथ, लाइक गूगल एडवर्ड्स या फेसबुक एड उनके साथ, तो उनकी निस्बत जो एसईओ है इसमें खर्चा कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, $1,000 का खर्चा अगर गूगल एडवर्ड्स पे हो रहा है, तो एसईओ अगर हम किसी वेबसाइट की करते हैं तो उसमें हमारा खर्चा फॉर एग्जाम्पल 300 से 350 डॉलर होता है, और रिजल्ट बेशक स्लो स्लो मिल रहा होता है। एसईओ में रिजल्ट 24 से 48 घंटे के बाद नहीं होता, बल्कि हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, स्लो स्लो होता है, मगर फिर जब एक दफा एक यानी कि एक लाइनअप हो जाती है चीजें, जब हमारी वेबसाइट इंडेक्स हो जाती है, हमारी वेबसाइट क्वालिटी की बनना शुरू हो जाती है, लोग एतबार करना शुरू कर देते हैं, फिर जो है यानी कि पीपीसी कैंपेन जब चलाते हैं, बजट खत्म हुआ, वो कैंपेन रुक जाती है। मगर इसके बरक्स हम इसकी बात करें एसईओ की, तो एसईओ में हम अगर फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेबसाइट बनाई है, उसको प्रॉपरली उसकी मार्केट की है, जैसे कि मैं आप लोगों को इस ट्रेनिंग में सिखाऊंगा, उसके बाद आप उसको महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल, मतलब आप उस पर बस उसको जो है वो साइट बांधना हो उसमें, उसको उसकी बस सोशल मीडिया शेयरिंग करते रहो, तो वो साइट आपको फिर भी पैसे देती रहेगी, क्योंकि कुछ ऐसी नीचीज होती हैं जिनमें जो हमारा कंपेटिटर होता है वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहा होता है अपनी वेबसाइट के अंदर। तो अगर हम अपनी वेबसाइट को अप टू डेट नहीं रखते, उसकी देखभाल नहीं करते, तो हमारी वेबसाइट नीचे गिरना शुरू हो जाती है, डाउन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कंपेटिटर हमारा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। स्टडी शोज दैट 81% ऑफ इंटरनेट यूजर्स वर्ल्ड वाइड यूज्ड सर्च इंजन
एक स्टडी के मुताबिक 81% इंटरनेट यूजर जो है वो पूरी दुनिया में सर्च इंजन का सहारा लेते हैं। 72% लोग जो सर्च करवाते हैं टॉप 10 रिजल्ट तक आके रुक जाते हैं, और 90% लोग जो है वो टॉप 30 तक आते हैं। यानी कि टॉप 10 से मुराद क्या है, ये जो मैंने कीवर्ड सर्च करवाया, ये पहला पेज जो है ये टॉप 10 कहलाता है, दूसरा पेज टॉप 20, थर्ड पेज टॉप 30, ठीक है। तो ये बेसिकली तीसरे पेज पे आके, नहीं कि टॉप 30 तक आकर लोग उसके बाद नेक्स्ट आगे नहीं जाते, ठीक है। तो हमने हमारी कोशिश होगी कि हम पहले पेज पे और पहली 3 स्पॉट की तरफ हमारा ध्यान होगा। क्लियर है यहाँ तक? पाइसन स्क्रीन क्लियर है? ओके। व्हाट डज गूगल मेजर? गूगल किस चीज को नापता है, गूगल किस चीज को देखता है, किस चीज को परखता है? किसी भी वेबसाइट की जो रैंकिंग होती है उसमें वो क्या चीज पहले देखता है? बाउंस रेट। बाउंस रेट क्या होता है? बेसिकली कोई यूजर आया हमारी वेबसाइट पे, उसने हमारी वेबसाइट विजिट की, वो कितनी देर हमारी वेबसाइट पे बैठा? अगर वो आया, थोड़ी देर बैठा और चला गया, तो बाउंस रेट बढ़ जाएगा और हमारी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो जाएगी। अगर एक यूजर हमारी वेबसाइट पे आया और वो हमारी वेबसाइट पे उसने स्टे किया, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट का, 2 मिनट्स का, 3 मिनट्स का, उसने हमारी वेबसाइट को प्रॉपरली देखा, एक से दूसरे पेज की तरफ गया, ठीक है, वो उसने हमारी वेबसाइट में वो एंगेज रहा, तो बाउंस रेट जो है वो कम हो जाएगा और रैंकिंग बढ़ जाएगी। ये एक दूसरे के ऑपोजिट है रैंकिंग में। बाउंस रेट और रैंकिंग ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। बाउंस रेट बढ़ेगा रैंकिंग गिरेगी, बाउंस रेट कम होगा रैंकिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो ये बाउंस रेट हमने, ये आप लोगों को मैं बताऊंगा बाउंस रेट का, जब आप लोगों को ट्रैकिंग का लेक्चर दूंगा गूगल एनालिटिक्स एंड स्टैट काउंटर, उसमें आप लोगों को टाइम स्पेंट के बारे में बताऊंगा, तो वहां से आप लोगों को बाउंस रेट का पता चलेगा कि बाउंस रेट हमारी वेबसाइट का 50% से ज्यादा है या कम है। 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाउंस रेट अगर बढ़ेगा तो रैंकिंग गिर जाएगी, 50% से कम होना चाहिए, यानी कि ज्यादा देर यूजर बैठेगा तो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी। उसके बाद जो वेबसाइट जो रैंकिंग है उसमें गूगल जिस चीज को देखता है वो ट्रैफिक सोर्सेज। ट्रैफिक सोर्सेज से क्या मुराद है? ट्रैफिक सोर्सेज से मुराद है कि हमारी वेबसाइट पे, इससे पहले कि गूगल हमारी वेबसाइट को रैंकिंग देगा, वो ये देखता है कि आया कि इस वेबसाइट पे पहले से कितना यूजर आ रहा है। गूगल हमें क्रोम के जरिए भी ट्रैक कर रहा है, गूगल में जैसे पहले बताया एंड्रॉयड एप्लीकेशन के जरिए भी हमारी वेबसाइट को ट्रैक कर रहा है, ईमेल जो हम भेजते हैं वहां से ट्रैक कर रहा है, हर तरफ से गूगल ट्रैक कर रहा होता है। हम इस चीज को ये नहीं कह सकते कि गूगल को कैसे पता कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। तो गूगल बहुत सियाना है, उसको हर चीज का पता है, वो ऐसे नहीं दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन बन गया, उसने मुफ्त ट्रैकिंग के जरिए वो यूजर की मालूमात को इकट्ठा कर रहा होता है। तो जो वेबसाइट होती है उस पर कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, इस चीज को गूगल ट्रैक कर लेता है। तो जो ट्रैफिक सोर्सेज है बेसिकली वो भी माइंड रखते हैं कि आया कि कौन से सोर्स से ट्रैफिक आ रही है हमारी वेबसाइट पे, और अगर वो वैलिड सोर्सेज से आ रही है तो हमारी वेबसाइट को वो रैंकिंग देता है, अगर नहीं तो वो जो है हमारी वेबसाइट की रैंकिंग, मतलब उसको रैंकिंग में नहीं लाता, या हमारे कंपेटिटर क्योंकि ऐसे ट्रैफिक के ऊपर काम कर रहे होते हैं जिसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। आप लोगों को भी वही ट्रैफिक सोर्सेज सीखने को मिलेंगे, तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि कैसे आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है, ठीक है। कल इंशाल्लाह यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आज का लेक्चर जो था बिल्कुल बेसिक था, और काफी स्टूडेंट्स जो जिन्होंने जिनको लेक्चर का पता नहीं था टाइमिंग का, तो वो आज नहीं आए होंगे, तो कल फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा और आप लोगों को इंशाल्लाह इस हफ्ते की पहली असाइनमेंट भी दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।